नमस्कार, मैं हूं भावना गुप्ता और आप देख रहे हैं जी हिंदुस्तान डिजिटल। इस वक्त बिहार और इसकी संस्कृति से प्रभावित आसपास के जिलों में एक खास पूजा की तैयारी चल रही है। इस व्रत को आम बोलचाल में ज्यूतिया कहते हैं, हालांकि एक्चुअल में इसे जीवित पुत्री का व्रत कहा जाता है। ज्यूतिया है तो लोक परंपरा का व्रत, लेकिन असल में ये प्रकृति से जुड़ाव का उत्सव है, जिसका सीधा संदेश है कि प्रकृति सुरक्षित तो हम सुरक्षित। ये बातें व्रत करने की रीत से और भी स्पष्ट हो जाती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि बिहार में धूमधाम से किए जाने वाले इस व्रत में महिलाएं चील और सियार की पूजा करती है। इस मान्यता के पीछे दो वजह है। पौराणिक वजह तो एक कथा से जुड़ी हुई है, जो मैं आपको भी बताऊंगी भी, लेकिन दूसरी वजह ये है कि चील और सियार प्रकृति को साफ करने वाले जीव माने जाते हैं, इसीलिए नेचुरल सफाई कर्मी के तौर पर इनका सम्मान होना तो बनता ही है। तो ये थी व्रत और पूजा विधि की बात। अब चलते हैं जीवित पुत्री का व्रत की कहानी की तरफ। इसका जिक्र महाभारत में मिलता है। कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तब उसके प्रभाव से उत्तरा का पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ था। तब सुभद्रा, उत्तरा और द्रौपदी ने अन्न जल त्याग करके पुत्र को जीवित करने की विनती की थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने उत्तरा के पुत्र को जीवित कर दिया और ये दिन जीवित पुत्र का कहलाया। मरा हुआ पुत्र जी उठा, इसीलिए इस त्योहार को ज्यूतिया कहा गया। तब से परंपरा आज तक चली आ रही है। कहानियों के सिलसिले खोजे तो एक कथा और मिलती है। यही कथा ज्यूतिया व्रत के दौरान महिलाएं सुनाती भी हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि एक नगर में किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इस पेड़ पर एक चील और इसके नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। एक बार कुछ महिलाओं को देखकर दोनों ने ज्यूतिया का व्रत किया। जिस दिन व्रत था उसी दिन नगर में एक मृत्यु हो गई। उसका शव उसी निर्जन स्थान पर लाया गया। सियारन ये देखकर भूल गई कि उसने व्रत रखा हुआ है और उसने मांस खा लिया। चील ने पूरे मन से व्रत किया और पारण किया। व्रत के प्रभाव में दोनों का ही अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ। जहां चील स्त्री के रूप में राज्य की रानी बनी, तो छोटी बहन सियारन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के सारे बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भुनकर एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। बड़ी बहन उस दिन भी ज्यूतिया व्रत कर रही थी। उसने भगवान जीमूत वाहन को याद कर 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो बेटे जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात से परेशान थी कि बहन के घर से अब तक रोना पिटना क्यों नहीं सुनाई दिया। ऐसे में असलियत जानने के लिए वो खुद बहन के घर गई, लेकिन 7 बेटों को जिंदा देखकर वो सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जीमूत वाहन भी वहां प्रकट हुए। दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो कपूरावती बहुत पश्चाताप करने लगी और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। बड़ी बहन अहिरावती ने वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट ना हो। तब से ज्यूतिया व्रत की परंपरा चल पड़ी। इस बार ज्यूतिया व्रत 36 घंटे का है और माताएं इस पूरे दौरान बिना पानी पिए अपनी संतान के लिए यानी आपके लिए ये कष्ट सहेंगी। माएं हमारे लिए कितना कुछ करती है ना। माँ की ममता और प्रकृति से जुड़े इस व्रत की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जी हिंदुस्तान डिजिटल। धन्यवाद।